मांसाहारी हैं, तो बकरी का मीट भी अवश्य ही खाया होगा या खाते होंगे। दोस्तों, बकरे के मीट को मटन भी कहा जाता है। यह मीट खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, इसके साथ साथ यह पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। बकरे के मीट की तासीर गर्म होती है और यह हमारे शरीर को कई तरह से फायदा भी पहुंचाता है। बकरे का मीट बाकी नॉनवेज के मुकाबले ज्यादा पौष्टिक भी माना जाता है। बकरे के मीट में अलग अलग भागों से अलग अलग तरह का पौष्टिक तत्व पाया जाता है, जैसे कि बकरे की कलेजी, बकरे का पाया और बकरे का भेजा। इन सभी को तो बहुत ही अधिक फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आज हम बकरे के भेजे को खाने से मिलने वाले फायदों के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, प्रजापति जूलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि बकरे का भेजा खाने से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, बकरे के भेजे को उत्तरी पूर्वी भारत में सिरी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर कोई मरीज बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो तो डॉक्टर इसे खाने की सलाह भी देते हैं। बकरे का भेजा बकरे के अन्य भागों के मुकाबले थोड़ा महंगा भी होता है। रेस्टोरेंट या फिर होटल में बकरे के भेजे की अलग अलग तरह की रेसिपी भी मिल जाती है, जैसे कि भेजा मसाला, भेजा कोरमा और भेजा फ्राई इत्यादि। बकरे के भेजे में कई पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इत्यादि उचित मात्रा में पाए जाते हैं, जिनसे कि हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इसमें मिनरल्स थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे कि इसका मेटालिक टेस्ट होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भेजा खाना सही नहीं है या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखने में यह थोड़ा अजीब लगता है। बकरे के भेजे का पूरा वजन तो 500 से 600 ग्राम तक ही होता है, परंतु 100 ग्राम बकरे के भेजे में 11 ग्राम तक प्रोटीन आसानी से मिल जाता है और 150 कैलोरी भी होती है। एक दिन में हमें जितने प्रोटीन की जरूरत होती है उसका 19-23% प्रोटीन हमें केवल इसी से मिल जाता है। मनुष्य को अपना नर्वस सिस्टम स्वस्थ रखने और हृदय से संबंधित रोगों से बचे रहने के लिए रोजाना 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अगर आप 100 ग्राम बकरे का भेजा खाते हैं तो आपको 100 ग्राम भेजे में ही उससे ज़्यादा विटामिन मिल जाती है और इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में खनिज की पूर्ति करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप बकरे का मीट खा सकते हैं तो एक बार बकरे का भेजा भी अवश्य ट्राई करके देखें। बकरे के भेजा को सेवन करने से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का उत्पादन तेजी से होने लगता है और साथ ही यह खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है। पुरुषों में कमजोरी दूर करें। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि बकरे का भेजा खासकर पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर में आई कमजोरी को दूर करता है। पुरुषों में यह काम करने की इच्छा और समय को भी बढ़ाता है। हृदय के लिए फायदेमंद। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इसमें उचित मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। बकरे का भेजा खाने की सावधानियाँ। वैसे तो बकरे का भेजा खाना सुरक्षित होता है, फिर भी ध्यान रहे कि जिस बकरे का भेजा आप खा रहे हो वह पूरी तरह से रोग मुक्त होना चाहिए। बकरे के भेजे में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रहे कि
अगर आप बकरे का भेजा खा रहे हैं तो हफ्ते में केवल एक बार ही इसका सेवन करें। ज्यादा सेवन करने से सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।